ओके डिनर भी कर लिया, शावर भी ले लिया, अब क्या करूं? टीवी देखती हूँ। नहीं यार, आजकल टीवी पे कुछ अच्छा आता ही कहाँ है, तो क्या करूं क्या करूं? नॉवल पढ़ती हूँ। ओके मुंबई फ्रेश एयर। ये क्या है? ये खून जैसा लग रहा है। सीआईडी को बुलाना ही पड़ेगा। सर, हमारे फ्लैट में तो ताला लगा हुआ है, बिल्कुल खाली है, उसमें लाश कैसे आ सकती है? अक्सर खाली घर ही गुनाह के अड्डे बन जाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि लाश छत पर हो। छत तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, यहाँ तक कि सोसाइटी का कोना कोना छान मारा हमने। सिर्फ यही एक फ्लैट बाकी है जो उस फ्लैट के एग्जैक्टली ऊपर है, जहाँ शिल्पा को लाश दिखाई दी थी। ठीक है, देखकर तसल्ली कर लीजिए, आइए। शिल्पा जी, जिस लड़की को आपने यहाँ बालकनी के बाहर लटकते हुए देखा था, वो जिंदा थी या जख्मी हालत में? नहीं सर, वो मर चुकी थी, उसकी आंखें नहीं चपक रही थी। मेरा यकीन मानिए सर, ऐसा खौफनाक नजारा मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। और उसके सिर से खून टपक रहा था? हाँ हाँ हा, सर टपक रहा था। खून कहाँ से टपक रहा था, सिर के किस हिस्से से? खून सर वो यहाँ से सर, यहाँ से खून टपक रहा था। शिल्पा जी, यहाँ रेलिंग पे या बालकनी पे कहीं भी खून के निशान तो नहीं दिख रहे? सर, हो सकता है कि बारिश की वजह से खून के निशान धुल गए हों। विनीत, एक काम करो, ये रेलिंग उठा लो, ठीक है? फॉरेंसिक लैब भेज, हो सकता है खून के कुछ ट्रेसेस मिल जाए। यस सर। यहाँ पर तो कोई लाश नहीं है। तो नहीं कहीं कोई हाथापाई के निशान है। काम करते हैं, पूरे फ्लैट को सर्च करते हैं। शिल्पा जी, उस लड़की के सिर पे जो घाव था वो किस तरीके का था? किस चीज का मतलब, मैं समझी नहीं सर। मेरा मतलब है, अलग अलग हथियार से जख्म अलग अलग तरीके के बनते हैं। चाकू से कटा था या फिर गोली का घाव था? गोली, गोली का घाव था सर। तो फिर आपने गोली चलने की आवाज सुनी होगी, राइट? गोली, गोली की आवाज तो मैंने नहीं सुनी। अभी तो आप कह रहे हैं कि जख्म गोली का था, तो आपने आवाज कैसे नहीं सुनी? देखिए सर, मैंने सिर्फ 10 सेकंड के लिए लाश को देखा था। उन 10 सेकंड्स में मैंने जो कुछ देखा आपको वो। सर, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। यहाँ भी कुछ नहीं है। इस फ्लैट का मालिक कौन है? महेश भाई।
अमेरिका में रहते हैं, साल में एक ही बार आते हैं यहाँ। महेश भाई अमेरिका में रहते हैं और आप मिस्टर संजय हैं, आप इस फ्लैट की देखभाल करते हैं। जी हाँ, महेश भाई ने इसी काम के लिए रखा है मुझे। ठीक है, नीचे चल के अभिजीत सर को इन्फॉर्म करते हैं। एक मिनट सर, सर ये भी तो हो सकता है कि उस कूनी ने उस गन पे साइलेंसर लगा दिया हो। कमाल है, आपको तो काफी जानकारी है ये साइलेंसर्स गन वगैरह की। ऐसी कोई बात नहीं है सर, मुझे जासूसी नॉवल पढ़ने का बहुत शौक है, इसीलिए इस बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ। एक्सक्यूज मी सर, कुछ पता चला? नहीं सर, उस फ्लैट में तो ना ही कहीं खून का निशान है और ना ही कोई लाश। छत चेक किया क्या? सर छत पर चेक कर लिया, बिल्डिंग का चप्पा चप्पा छान मारा सर, कहीं कोई लाश नहीं मिली। मैं सच कह रही हूँ सर, लाश थी, वो लाश यहीं पर थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी, पता नहीं अब कहाँ चली गई। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो आप? मैं? ये घर मेरा है, मेरा घर है ये, और आप मुझे से पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ? ये आपका घर है? जी, ये नेम प्लेट आपने अंदर आते समय पढ़ी होगी ना, ए कुमार यानी अंजू कुमार, दैट्स मी। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे घर में ये ड्रामा क्या हो रहा है। आंटी आंटी, मैं शिल्पा, आयशा की दोस्त, कल रात को ही आपके घर में आई थी। आयशा? कौन आयशा? आंटी आयशा आपकी किराएदार, मेरी दोस्त। लो सुनो, हमने घर किराए पे दिया नहीं और किराएदार की सहेली भी पैदा हो गई, वाह। ये क्या चक्कर है शिल्पा जी? सर आप मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं अभी आयशा को फोन करती हूँ। हाँ हाँ लगाओ फोन, मैं भी जानना चाहती हूँ आयशा है कौन। सर आयशा का फोन बंद आ रहा है सर, और मुझे नहीं पता आयशा कहाँ है। बहुत अच्छी कहानी है, एक तो जबरदस्ती किसी के घर में घुसाओ और फिर इल्जाम ऐसी लड़की पे डाल दो जो है ही नहीं। नहीं नहीं सर, आप खुद ही सोचिए, अगर आयशा नहीं होती तो मैं यहाँ कैसे होती? अब इसका पता तो CID लगाएगी शिल्पा जी। सर ये घर पिछले 3 महीनों से बंद है, मैंने इस पे ताला लगाया हुआ है। वो तो हमारी बिल्डिंग के सेक्रेटरी है, इन्होंने मुझे फोन करके बताया कि आपके किराएदार ने यहाँ लाश देखी है। हाँ वो सो सरप्राइज्ड कि ये सो कॉल्ड किराएदार कहाँ से पैदा हो गई। शिल्पा जी आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं, आपको हमारे साथ ब्यूरो चलना पड़ेगा। नहीं सर, आयशा का फोन अभी भी बंद है। कोई आयशा होगी तो लगेगा ना, ये आयशा भी नकली है और नंबर भी। आप बार बार आयशा के ना होने की बात क्यों कह रही हैं? इसलिए कि तुम गैर कानूनी तरीके से मेरे फ्लैट में घुसी हो कब्जा करने के इरादे से, उसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। मैं आपके फ्लैट में कब्जा क्यों करूंगी? बस बहुत हो गई आप दोनों की बहस। शिल्पा बताओ, शुरू से बताओ तुम इस फ्लैट में कैसे गई और कब गई? मैं कल ही पूना से आई हूँ काम की तलाश में। आयशा को मैं पूना से ही जानती हूँ सर, उसने सामने से कहा था कि वो मेरी मदद करना चाहती है, इसलिए जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती मैं उसके फ्लैट में रह सकती हूँ। अरे ये फ्लैट आयशा का नहीं, ये मेरा घर है। मिसेस कुमार प्लीज इनको बोलने दीजिए, प्लीज बोलिए आप। सर रात के 8 बजे हम बिल्डिंग के अंदर आए थे तो सोसाइटी के वॉचमैन ने देखा होगा तुम दोनों को। नहीं, जब हम बिल्डिंग के अंदर आए तो वॉचमैन अपनी जगह पर नहीं था। सेक्रेटरी साहब वॉचमैन क्यों नहीं था, क्या चक्कर रही है? क्योंकि 8 बजे ड्यूटी चेंज होती है, नाइट शिफ्ट वाले वॉचमैन के आने का टाइम हो जाता है, इसलिए 5-10 मिनट गेट पर कोई नहीं रहता। अच्छा, बड़ी सही वक्त पर पहुंच गई आप दोनों, फिर क्या हुआ? फिर आयशा ने अपने बैग से फ्लैट की चाबी। झूठ, मेरे फ्लैट की चाबी सिर्फ मेरे पास रहती है। मिसेस कुमार प्लीज आपको बोलने का मौका मिला है, शिल्पा को बोलने दीजिए, बताओ। फिर आयशा ने मुझे अपना पूरा फ्लैट दिखाया, उसने मुझसे कहा कि उसे नाइट शिफ्ट के लिए ऑफिस जाना है, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लूं और खाकर सो जाऊं। कहाँ काम करती थी आयशा, नाम वाम बताया उसने कभी? हाँ सर, नाम तो बताया था उसने, कुछ पी से था सर, प्रिसिशन मार्केटिंग सॉल्यूशन। हाँ सर यही नाम था, प्रिसिशन मार्केटिंग सॉल्यूशन। आइए सर आइए, यहाँ पूछिए सर, इनसे पता करते हैं। सुनिए यहाँ पे कोई आयशा नाम की लड़की काम करती है क्या? आयशा नहीं, यहाँ पर तो इस नाम की कोई लड़की काम नहीं करती। ये आप क्या कह रहे हैं, आयशा कुमार नाम है उसका, आप अंदर जाकर पूछिए प्लीज। मैडम मुझे यहाँ के एक एक एम्प्लॉय का नाम जुबानी याद है। जुबानी याद है जी। शिल्पा जी आपके पास आयशा की कोई फोटो है? फोटो तो नहीं है मेरे पास। आप तो कह रही थी कि आयशा आपकी दोस्त है और एक फोटोग्राफ भी नहीं है आपके पास। सर बात मैनेजर साहब, आप प्लीज मुझे ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज की फोटोज दिखाइए। जी जरूर। गीता हमारे एम्प्लॉयज वालों की फाइल देना।
सर ये हमारे एम्प्लॉयज की फाइल है। देखिए नहीं सर, इनमें से तो कोई भी आयशा नहीं है। फिलहाल यही वो लोग हैं जो हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं। सर, सर हो सकता है वो पहले यहाँ काम करती हो। एक मिनट, हमारे एक्स एम्प्लॉयज की फाइल देना। सर ये हमारे एक्स एम्प्लॉयज की फाइल है। ये भी देखिए। नहीं सर, इसमें भी नहीं है उसकी फोटो। इसके बाद भी कुछ कहना है शिल्पा जी आपको? मैं सच कह रही हूँ, आयशा ने मुझे इसी जगह का पता बताया था। उसने कहा था कि वो यही काम करती है। कौन आयशा शिल्पा जी, कौन आयशा? क्या वाकई आयशा कोई लड़की है या ये सब सिर्फ आपकी एक कल्पना है? आयशा है सर, आयशा है। प्लीज आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? किस बात का यकीन करें? कहाँ है ये आपकी आयशा? इस आयशा का फोन तो लगता नहीं और ना ही आयशा की फोटोग्राफ है आपके पास। और तो इस ऑफिस में आयशा को कोई जानता भी नहीं। आपकी इस आयशा का कोई नामो निशान नहीं है कहीं पर। और आप कहती हैं कि हम यकीन करें आपकी बात पे। सर, या तो आयशा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है या फिर वो ये सब कुछ मुझे फंसाने के लिए कर रही है। आई होप कि जो आप कह रही हैं वही सच है, लेकिन अगर आप ये सब सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद करने के लिए कर रही हैं तो आप हमें फिर से वो फ्लैट चेक करना होगा। सर, मैंने कहा था ना आपसे, आप इस लड़की को कभी मत छोड़िएगा, ये कुछ भी कर सकती है। देखिए अभी सच्चाई सामने नहीं आई है। अच्छा, अगर ये लड़की आयशा अगर यहाँ पे रह रही थी तो जरूर उसका कुछ सामान भी होगा या उसके कपड़े, जूते, कोई सूटकेस वगैरह? हाँ सर, अंदर है अलमारी में। आइए मैं आपको दिखाती हूँ सर। आइए सर, आइए मैं आपको दिखाती हूँ सर। यहाँ पर है, इस अलमारी में। देखिए, देखिए आप, देखिए यहाँ पे। आप मेरी बात का यकीन करिए सर, कल तक ये अलमारी भरी हुई थी। आयशा ने खुद मुझसे कहा था कि अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं इस अलमारी से ले सकती हूँ। देखा, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है, इसे वो सब भी दिखता है जो नहीं है। आयशा, लाश, कपड़े, पागल हो गई है ये। सर एक बार आप उस ड्रॉर में चेक कर लीजिए, शायद कुछ मिल जाए। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज एक बार। ये तो खाली। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। सर, जरूर कोई मुझे फंसाना चाहता है, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। सर ये फंसाना चाहती हूँ मुझे, ये सभी निकाह किया था रहा है। मैं क्यों फंसाऊंगी तुम्हें? देखा आपने, मैंने कहा था ना, इस लड़की का दिमाग वाकई खराब हो गया है। अगर कोई और नहीं मिला तो सोचा कि सारा इल्जाम मुझ पे डाल दिया जाए। और वैसे भी घर की चाबियां तो आप लोगों के पास ही तो थी। शायद इस बैग में हो आयशा के कपड़े। नहीं सर, ये तो मेरा बैग है, इसमें कुछ भी नहीं है सर। सचिन, विनीत, पूरे घर को अच्छे से चेक करो। सचिन, लाश। शिल्पा, तुम जानती हो इस लड़की? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती, मैंने इसे कभी नहीं देखा सर। शिल्पा जी, सच सच बताइए, ये आयशा है या फिर वो है जिसे आपने बालकनी से लटकते हुए देखा था? सर ना ही ये आयशा है ना ही वो लड़की जो बालकनी से लटक रही थी, मुझे नहीं पता ये कौन है सर। सेक्रेटरी साहब, आप देखिए जरा गौर से, इस लड़की को देखा है कभी आपने अपनी बिल्डिंग में? जी नहीं सर, मैंने पहले कभी इस लड़की को नहीं देखा। मैडम, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। जरूर जरूर इसी ने मारा इसे। आप मेरे पीछे क्यों पड़ी है? अगर मुझे इसे मारना होता तो मैं लाश छुपाकर यहाँ से चली गई होती। लाश को देखकर लगता है खून थोड़ी देर पहले हुआ होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घंटे। यहाँ पे ये खून की बूंदे भी, इसका मतलब है कि खून जरूर यहीं कहीं आसपास हुआ है। सलोन के साहब। हाँ सर। तो सर यहाँ पे एक लाश भी मिली है। अच्छा ठीक है,
कमाल की बात है शिल्पा जी, आप तो सच कह रही थी। मतलब ये कि बालकनी की रेलिंग पे हमें खून के ट्रेसेस मिले हैं। देखा सर, मैं सच कह रही थी ना, वहां पर लाश थी। आप बोलिए, आप क्या कहना है आपको, बोलिए बोलिए। मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन वो लाश थी किसकी और कहाँ गायब हो गई? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर वो लाश गई तो गई कहाँ। सर आप लोग फिर से फ्लैट की तलाशी क्यों लेना चाहते हैं? मिस्टर संजय, आपके ठीक नीचे वाले फ्लैट से एक लाश बरामद हुई है। लाश मिल गई? एक लाश मिली है। ये लाश उसी लड़की की है जिसे शिल्पा ने देखा था? लाश उस लड़की की नहीं है। और आपको तो इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम होगा, है ना? सर मुझे कैसे मालूम हो सकता है? ये तो पता चल ही जाएगा कि तुम्हें क्या मालूम है और क्या नहीं। सर महेश भाई को पता चलेगा तो मुझे बहुत डांटेंगे। अपना मुंह बंद रखो, हमें हमारा काम करने दो। अरे ये क्या? नीत फॉर्सेप्स। बाल लड़की का बाल देखा? क्यों मिस्टर संजय, क्या कहते हैं आप, ये बाल किसका है? सर मुझे सच में नहीं पता ये बाल फ्लैट में कहां से आ गया। ये बाल इस फ्लैट में मिला है जिसकी देखरेख तुम करते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम ये लड़की का बाल कहां से आया? बताइए, सच सच बताइए, कहीं ये बाल उसी लड़की के तो नहीं जिसकी लाश को लटकते हुए शिल्पा ने देखा था? सर आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे सच में नहीं पता ये बाल फ्लैट में कहां से आ गया। हो ना हो, उस लड़की की लाश को यहीं से लटकाया गया था, मुझे भी ऐसे लगता है। संजय कुछ तो मालूम होगा तुम्हें। सर मैं दोपहर में 1 से 2 के बीच में फ्लैट की साफ सफाई करवाने आता हूँ, अब अगर रात में कुछ हो गया हो तो मुझे सच में नहीं मालूम। इसका मतलब तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ा और कोई आदमी यहाँ पर आया, उसने अपना काम किया और चला गया। एक सेकंड। कुछ तो छेड़खानी हुई है। वॉचमैन, सोसाइटी के अंदर बाहर से कोई आदमी आता है तो तुम्हें तो मालूम पड़ ही जाता होगा। हाँ सर, हम बाहर से आने वाले किसी भी आदमी को सोसाइटी के अंदर ऐसे ही घुसने नहीं देते। मगर कोई पीछे के गेट से अगर अंदर आता है तो। एक सेकंड बोलने दीजिए इसे। मैं बोल रहा हूँ ना सर, दरअसल सोसाइटी के पीछे भी एक गेट है तो क्या? तो वहाँ कोई वॉचमैन नहीं है। वॉचमैन नहीं, क्या बात है, अब आप हमें वो गेट दिखाने का कष्ट करेंगे? चलिए आइए। ये रहा सर, ये पीछे वाले गेट पे कोई सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं? क्योंकि इस गेट से किसी का भी आना जाना मना है। इस गेट पे हमने ताला लगा के रखा हुआ है। ताला खुला हुआ है सेक्रेटरी साहब। हे भगवान, ये कैसे हो गया? ये तो बंद था। सुनो, तुमने खोला क्या इसे? नहीं साहब, इसे मैं क्यों खोलूंगा? इस ताले को देख के लगता है कि इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की गई। सर ये देखिए पैरों के निशान। तो ये उसी के होंगे जो इस रास्ते से घुसा होगा। निशान किसी लड़की के सैंडल के लगते हैं, उसी के होंगे जिसका खून हुआ है। अगर ये निशान उसी लड़की के हैं तो फिर ये लड़की सोसाइटी के पीछे वाले गेट से क्यों अंदर आई, वो भी ताला खोल के? विनीत एक काम करो, ये सारे निशान उठा लो, शायद हमारे काम आए। सचिन मिस कुमार का फ्लैट सील कर दो। क्या? लेकिन सर अगर आप फ्लैट सील कर देंगे तो मैं कहाँ रहूंगी? तुम चाहो तो मेरे दूसरे फ्लैट में कुछ दिन रह सकती है। लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? आपको तो ये लगता है ना कि मैं खूनी हूँ? ऐसा नहीं है शिल्पा, टेंशन और गुस्से में मैं अपने आपे से बाहर हो गई। I'm sorry. Thank you. अच्छा शिल्पा। जी सर। तुम आयशा को पुणे से जानती हो? जी सर। हमें उसका पुणे वाला एड्रेस चाहिए। ठीक है सर। और अगर वो वहाँ भी नहीं मिली तो तुम्हारा इस दलदल से निकल पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं सर, आपको आयशा पुणे के फ्लैट पे जरूर मिलेगी, बिलीव मी। आई होप सो। इस समय कौन आया होगा? जगिया, जगिया। ये जगिया भी गलत समय पे बाजार चला जाता है। अरे आ रहा हूं भाई। आप लोग? जी हम लोग सीआईडी से। यहाँ किस लिए आए? हमें आयशा से मिलना। आयशा? कौन आयशा? यहाँ तो कोई आयशा नहीं रहती है। C26 SJS हाईवे कमल नगर, यही है? हाँ एड्रेस तो यही है, लेकिन यहाँ कोई आयशा नहीं रहती है। अच्छा ये बताइए कि आपके परिवार में और कौन कौन रहता है? मेरी पत्नी कल्पना और मेरी बेटी दीप्ति। हम लोग मिल सकते हैं उनसे? मेरी पत्नी बाहर गई है, आप मेरी बेटी दीप्ति से मिल सकते हैं। बुलाइए उन्हें। दीप्ति, दीप्ति बेटा। यह मेरी बेटी दीप्ति,
तो ये आपकी बेटी दीप्ति है जी। हेलो। अच्छा दीप्ति, ये बताओ कि तुम आयशा नाम की किसी लड़की को जानती हो क्या? हो सकता है तुम्हारे आस पड़ोस में रहती हो। नहीं, मैं किसी आयशा नाम की लड़की को नहीं जानती। उसका कद तकरीबन 5'4" है, रंग गोरा है, लंबे बाल है। ऐसी कोई लड़की ध्यान में आ रही है आपके? बेटा जरा सोच के बताओ, शायद तुम्हें याद आ जाए। नहीं। शिल्पा, शिल्पा का नाम सुना है? नहीं, मैं इसे भी नहीं जानती। ये शिल्पा है। हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। लेकिन इसी ने तो हमें बताया कि आयशा यहाँ रहती है। कमाल है, दिखने में तो शरीफ लग रही है, पर झूठ क्यों बोल रही है? अब ये झूठ क्यों बोल रही है, इसका जवाब तो शिल्पा ही दे सकती है। कैसी हैं आप मिसेस कुमार? अरे ऑफिसर, आप लोग कहिए, खूनी का कुछ पता चला? जी, खूनी का पता चल सके इसी सिलसिले में हम शिल्पा से कुछ बातचीत करना चाहते हैं। शिल्पा से? जी हाँ, शिल्पा से। आइए आइए, आप लोग बैठिए, मैं अभी बुलाती हूँ उसे। शिल्पा, शिल्पा कहाँ चली गई? ऑफिसर, जब मैं घर से गई थी तो यही थी, कहाँ चली गई? ढूंढो, पूरा घर ढूंढो। शिल्पा कहाँ जा सकती है लड़की? नहीं सर, और यहाँ पे उसका सामान भी नहीं है। जिस बात का डर था वही हुआ, शिल्पा नहीं है, उसका सामान भी गायब है। मतलब सर, इस शिल्पा ने हमसे आज तक जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ था, इसीलिए उस आयशा का एड्रेस भी गलत निकला। सब झूठ विनीत, सब झूठ। उसने शुरू से लेकर अब तक जो कुछ भी बोला सिर्फ झूठ बोला। अब मुझे तो शक है कि ये आयशा नाम की लड़की है भी या नहीं। हाँ सारंगे सर। हाँ सारंगे बॉस, फ्लैट पर से आप ये जो रेलिंग लेकर के आए हैं, मुझे वाकई इस पर से ब्लड ट्रेसेस मिले। खून के ट्रेसेस मिले यहाँ पर? ये यहाँ पर। और एक बात सर, ये लड़की का बाल जो आप लोगों को ऊपर वाले फ्लैट से मिला है और इस रेलिंग पे जो खून लगा हुआ है, ये दोनों का डीएनए मैच होता है, मगर ये खून और ये बाल इस लड़की का नहीं है। मतलब ये बाल और खून किसी दूसरी लड़की के? एग्जैक्टली फ्रेडी, वही तो हम कहना चाह रहे हैं, वो कोई और ही लड़की है। इसका मतलब सर, शिल्पा ने बालकनी में वो लाश देखी थी। शिल्पा ने जरूर लाश को देखा है, मगर ये लाश गायब कहाँ हो गई? ऐसा लगता है कि उस लड़की का खून ऊपर वाले फ्लैट में हुआ है, क्योंकि ये बाल हमें वहीं से मिला है, महेश भाई के फ्लैट में, जिसकी देखभाल संजय करता है। संजय? अभिजीत, ये संजय बहुत कुछ जानता है, लेकिन हमसे छुपा रहा है। छुपा रहा है हमसे कुछ? हाँ सर, फ्लैट के लॉक के साथ छेड़छाड़ की गई है, पीछे वाले गेट पे लड़की के सैंडल के निशान मिले, और ये संजय कहता है उसे कुछ मालूम ही नहीं। वही तो। अभिजीत जरा सोचो, शिल्पा जब मिसेस कुमार के फ्लैट में खड़ी रहती है बालकनी में, तब उसे दिखती है एक लटकती हुई लाश, जो थोड़ी देर बाद गायब होती है। अब उसी फ्लैट में हमें मिलती है ये लाश, एक लड़की की लाश, फ्रिज में, और फ्लैट के बालकनी के रेलिंग पर मिलते हैं खून के ट्रेसेस। अब बिल्कुल मिसेस कुमार के फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में, महेश भाई के फ्लैट में, जिसकी देखभाल संजय करता है, वहां पे मिलता है एक बाल, एक लड़की का बाल। जब ये बाल और ये खून दोनों मैच किए जाते हैं, तो पता चलता है कि ये दोनों भी चीजें, ये बाल और खून, एक ही लड़की के हैं, लेकिन वो लड़की ये नहीं। तो इसका मतलब है कि वो बाल और खून उसी लाश के हैं जो शिल्पा ने देखी थी। इतना सब होने के बाद जिसने ये लाश देखी, ये शिल्पा ही गायब हो गई। और फिर अभिजीत, ये सारी कड़ियां अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं तो जुड़ी हुई है। सर, अगर शिल्पा सच बोल रही थी और वो निर्दोष है, तो फिर गायब क्यों हो गई? सर, ये भी हो सकता है कि शिल्पा को किसी ने गायब कर दिया हमें और गुमराह करने के लिए। हो सकता है, लेकिन है कौन वो जो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? और फिर वो लाश किसकी थी जो गायब हो गई? और फिर ये लाश किसकी है? ये लड़की है कौन जिसकी लाश हमें मिसेस कुमार के फ्रिज में से मिली? और फिर शिल्पा कहाँ गायब हो गई और क्यों? सर, मुझे लगता है कि इन दोनों लड़कियों का खून किसी एक आदमी ने किया है, और वो बिल्डिंग का ही कोई आदमी है।
इसे मालूम है कि दोनों फ्लैट्स खाली है। हाँ अभिजीत, हो सकता है, लेकिन मिसिंग पर्सन ब्यूरो से क्या पता चला? हाँ सर, उस लाश की फोटो भिजवाई थी हम लोगों ने वहां पे, लेकिन वहां पे तो ऐसे किसी लड़की के गायब होने की कोई खबर नहीं है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है अभिजीत, ये चक्कर क्या है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आयशा जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं, ये शिल्पा जो गायब है, और फिर वो दो लाशें, वो एक लाश जो हवा में गायब हो गई और दूसरी लाश जो मिसेस कुमार के घर के फ्रिज में मिलती है, इन चारों को जुड़ने वाली वो जो कड़ी है वो नहीं मिल रही अभिजीत, वो नहीं मिल रही है। वो क्या है? वो कड़ी है शिल्पा जो गायब हो गई है। सर क्या क्या कहानी बनाई, आयशा ने उसे बुलाया है इस फ्लैट में रहने के लिए, आयशा जिसके घर का पता गलत, ऑफिस का पता वो भी गलत। और फिर ये आयशा है कौन? ये आयशा है भी या नहीं ये कौन जानता है? सर शिल्पा ने जो आयशा का फोन नंबर बताया था वो सही निकला। मोबाइल कंपनी से पता चला ना? हाँ सर, हम वहीं से आ रहे हैं सर, वो नंबर आयशा कुमार का ही है, ये रहा उसका एड्रेस। आयशा कुमार, अभिजीत ये है इस मिस्टीरियस आयशा का असली घर का पता। अभी आयशा ही बताएगी शिल्पा है कहाँ। किससे मिलना है आप लोगों को? आयशा। जी हाँ, मैं ही आयशा हूँ, लेकिन आप लोग कौन हैं? तो फाइनली आप मिली गई, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको हमने। आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन आप लोग हैं कौन? CID। CID? लेकिन CID भला मुझे क्यों ढूंढने लगी? आप शिल्पा को तो जानती होंगी ना। अब ये शिल्पा कौन है? आप अपनी सहेली शिल्पा को नहीं पहचानती? ये शिल्पा है। हाँ यही शिल्पा है, लेकिन ये मेरी कोई सहेली वहेली नहीं है। तो फिर आप फोटो देख के चौंक क्यों गए? वो इसलिए क्योंकि ये परसों ही मुझे मेरे घर के बाहर मिली थी। घर के बाहर मिली थी? जी हाँ, वो हुआ यूं कि मैं ऑटो के लिए मेन रोड पर खड़ी थी, तभी अचानक मेरे पास आई और इसने मेरा फोन मांगा। कहने लगी कि इसके फोन की बैटरी डाउन है और इसे एक इमरजेंसी कॉल करना है। फिर मैंने इसे अपना फोन दे दिया, पर उसे जिस नंबर पे कॉल करना था वो नंबर लगा नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो चली गई, बस। इसके अलावा मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानती। सर अपना फोन दीजिए, इस लड़की ने जो नंबर डायल किया था वो नंबर मुझे देखना है। मेरा फोन? आपका फोन। लेकिन परसों से मैं काफी सारे कॉल्स कर चुकी हूँ, शायद ही वो नंबर अब कॉल लॉग में होगा। सर मोबाइल कंपनी से फोन करके पता कर सकते हैं कि शिल्पा ने किस नंबर पे फोन किया था। हाँ लेकिन जब शिल्पा का फोन कनेक्ट ही नहीं हुआ तो मोबाइल कंपनी से भी कुछ पता नहीं चलेगा। सर लेकिन बात क्या है, आप लोग मुझे कुछ तो बताइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। दरअसल मैम ये जो लड़की है शिल्पा, इसने हर्ष अपार्टमेंट के एक फ्लैट में एक लाश देखी है, और इसका कहना है कि आप उस अपार्टमेंट की किराएदार है। What? मेरा अपना घर है यहाँ, मैं भला किसी फ्लैट में किराएदार बनकर क्यों रहूंगी? सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने तो हमें आपके पूना वाले फ्लैट तक पहुँचा दिया था। पूना वाला फ्लैट? लेकिन मेरा दूसरा घर तो दिल्ली में है, पर पूना से मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर तो आप प्रिसिशन मार्केटिंग सॉल्यूशन में भी काम नहीं करती होंगी। बिल्कुल नहीं, मैं सुटोकी फैशन हाउस में काम करती हूँ। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये शिल्पा नाम की लड़की मेरे बारे में ऐसी गलत चीजें क्यों बोल रही है आप लोगों को। लेकिन अगर आप शिल्पा को नहीं जानती तो इसे आपका नाम कैसे पता है? हाँ याद आया, वो जब शिल्पा मेरे फोन से फोन लगा रही थी तो अचानक मेरी एक सहेली ने मुझे पीछे से आवाज दी, हो सकता है तब इसने मेरा नाम सुन लिया हो। ऐसे। अच्छा परसों शाम 8 से 11 के बीच आप कहाँ थी? ऑफिस में। आपके ऑफिस में और कौन कौन था आपके साथ? मेरी सहेली विजया। विजया जी का नंबर? जी 1102469। हेलो मैम, सीनियर इंस्पेक्टर रजत CID से, विजया जी बोल रही हूँ। गुड, आप सुटोकी फैशन हाउस में काम करती हैं ना? जी वो सब छोड़िए, आप ये बताइए परसों शाम 8 से 11 के बीच आप कहाँ थी, कौन था आपके साथ? सुमन, पूजा, चांदनी और आयशा। ठीक है, नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक यू। अब तो यकीन हो गया ना आप लोगों को कि मैं सच कह रही थी? ये तो पता चल ही जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सर आप लोग? सर प्रशाल,
आप जानते हैं ना कि आपके सोसाइटी में कितनी प्रॉब्लम है। सोसाइटी के पीछे वाले गेट से कोई भी आदमी कभी भी अंदर चला आता है और आप लोगों को पता तक नहीं चलता। लोग दूसरों के घरों में बिना किसी परमिशन के रहने लगते हैं। आपकी सोसाइटी में दो दो खून होते हैं, लाशें गायब हो जाती है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती है। जी सर, हम जानते हैं कि पिछले 3 दिनों से हमारी सोसाइटी में कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन हमने अपने पिछले गेट में एक चौकीदार बिठा दिया है सर, ताकि ऐसा शर्मनाक हादसा हमारी सोसाइटी में फिर कभी ना हो। अब चौकीदार रखने से क्या मतलब? अगर ये समझदारी आपने पहले दिखाई होती तो दो दो खून होने से बच जाते। देखिए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना सर, आप समझ रहे हैं ना। अच्छा, ये संजय जो मिसेज अंजू कुमार के ऊपर वाले फ्लैट की देखभाल करता है, कैसा आदमी है? ठीक है सर। कभी रात में नहीं आता? रात में? जी नहीं, रात में तो कभी नहीं आया। अच्छा, और ये जो फ्लैट के मालिक है महेश भाई? सर, उनके तो दर्शन ही नहीं होते। जब से उन्होंने ये फ्लैट खरीदा है तब से एक बार भी नहीं आए यहाँ पर। और ये जो अंजू कुमार जी हैं जिनके फ्लैट में लाश मिली, उनके बारे में क्या बता सकते हैं? अब क्या बताऊं सर, बहुत तन्हा जिंदगी है उनकी। पति मर चुका है, उनका जो बेटा है वो अमेरिका जाके बस गया है, और इस शहर में यहाँ उनका और कोई भी नहीं। फिर उनके घर का खर्च वगैरह कैसे चलता? बेटा पैसे भेजता है क्या अमेरिका से? कहाँ सर, बेटा तो बड़ा ही नालायक निकला, पैसा भेजना तो दूर, एक फोन तक नहीं करता अपनी माँ। तो फिर पैसों का इंतजाम कैसे करती हैं अंजू जी? 3 महीने पहले तो उनके घर में एक किराएदार थी, इसी से उनके घर का खर्चा चल जाया करता था। लेकिन जैसा कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 3 महीनों से उनका घर खाली पड़ा हुआ है। हाँ, ये बात तो है, पिछले 3 महीनों से उनका फ्लैट खाली पड़ा है। तो फिर उनका गुजारा, और फिर कोई आदमी अपना फ्लैट 3 महीनों के लिए खाली क्यों छोड़ेगा? इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है। तो बताइए मिसेस कुमार, क्या कहना है आपको इस बारे में, बताइए। मेरा घर है, मेरी मर्जी में उसे भाड़े पे चढ़ाऊं या नहीं, और 3 महीने से खाली फ्लैट को किराए पे ना देना कोई जुर्म तो नहीं है एसीपी साहब? बिल्कुल जुर्म नहीं है मिसेस कुमार, बिल्कुल जुर्म नहीं है। लेकिन जब आपके बैंक अकाउंट में पैसों की बारिश होने लगती है तब हमें शक होने लगता है कि ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा? कैसा पैसा? 1,00,000 रुपए हर महीने आपके अकाउंट में जमा किए जाते हैं, वो भी कैश। क्या जान सकते हैं कि कौन है वो आदमी जो आप पे इतना मेहरबान हो रहा है? तो आप उस पैसे की बात कर रहे हैं? वो मेरा बेटा अमेरिका में रहता है ना, वही तो डालता है मेरे अकाउंट में ये पैसे। आपका बेटा? जी। मोहित नाम है ना उसका? आपको कैसे पता? हमें सब कुछ पता चल गया मिसेस कुमार, कि असल में आपका बेटा आपसे कितना प्यार करता है और कितने पैसे भेजता है। आप लोगों को सब कुछ पता चल गया? जी हाँ, सब कुछ पता चल गया मिसेस कुमार, सब कुछ। तो बताइए राज क्या है इस कमाई का, और इस बार सच सच बताइए, झूठ सुनने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास, बताइए। वो पैसे मेरी किराएदार मुझे देती थी। किराएदार? आपके और भी फ्लैट्स हैं शहर में क्या, इस फ्लैट के अलावा? जी नहीं, मैं उसी फ्लैट की बात कर रही हूँ जिसमें शिल्पा रहती थी। लेकिन मिसेस कुमार, आपने तो हमें बताया कि वो फ्लैट आपने किसी को दिया ही नहीं किराए पर। दिया है सर, लेकिन किसी भी कागज पर दस्तखत किए बगैर। किसे दिया है ये फ्लैट मिसेस कुमार, है कौन ये किराएदार? जी, पायल नाम है उसका। पायल? जी, उसने मुझे कहा कि वो मुझे 1,00,000 रुपए दे सकती है, पर शर्त ये है कि किसी को पता ना चले कि उस फ्लैट में कोई रहता है। लेकिन सोसाइटी वालों को तो पता चल ही जाता ना, जब पायल उस फ्लैट में रहने जाती। नहीं सर, वो वहाँ रहने वाली नहीं थी, मुझे नहीं पता उसने फ्लैट किस लिए लिया था। उसने मुझसे कहा कि वो सोसाइटी के पीछे वाले गेट से रात के समय आएगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर ऐसा था तो आपको शक क्यों नहीं हुआ कि पायल कोई गैर कानूनी काम कर रही है? मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए? पायल का एड्रेस चाहिए हमें। पायल, पायल, घर तो खाली दिख रहा है, पूरे घर को चेक करो। ये देखिए। अरे, ये तो वही लड़की है जिसकी लाश हमें मिसेस कुमार के घर में मिली थी। और ये लड़की शायद पायल होगी।
मतलब सर पायल और ये लड़की सहेलियां थी और इस लड़की का खून उस फ्लैट में हुआ जो फ्लैट पायल ने किराए पर रखा था। मगर पायल अगर यहाँ पे रहती थी उसने फ्लैट किराए पे क्यों लिया? शिल्पा सर, यानी शिल्पा भी इस लड़की को जानती थी जिसकी हमें लाश मिली। मगर सर जब शिल्पा से पूछा गया तो उसने इस लड़की को पहचानने से साफ इनकार कर दिया था। सब झूठ बोला था उसने, सब झूठ, सिवाय उस लाश के जो उसने बालकनी में देखी थी। क्योंकि ऊपर वाले फ्लैट से हमें लड़की का बाल मिला था और नीचे वाली फ्लैट की रेलिंग पे खून के ट्रेसेस। सर अगर शिल्पा इस लड़की को जानती थी और ये लड़की पायल की दोस्त थी तो हो सकता है शिल्पा और पायल भी एक दूसरे को जानते हो। मुझे तो लगता है ये दोनों साथ मिलके भागे हैं। सर हो सकता है इस लड़की का खून उन दोनों ने मिलके किया। तभी पायल ने वो फ्लैट किराए पे लिया था, इस लड़की को वहाँ बुलाया, किसी बात पे कुछ झगड़ा बगड़ा हुआ और इसका खून हो गया। मगर सर अब ये शिल्पा और पायल को हम ढूंढेंगे कैसे? ढूंढेंगे श्रेया, ढूंढेंगे। ये देख रही हो कर का नेम प्लेट, चैतन्य 22 डेक्कन, और डेक्कन पुणे में है। हाँ सर, और शिल्पा ने आयशा का जो गलत एड्रेस दिया था वो भी तो पुणे का ही है। सर यानी हो सकता है इन दो बातों में कोई कनेक्शन हो? कनेक्शन है, एक बार फिर से पुणे चलते हैं। 22 डेक्कन चैतन्य बंगलो, बंगलो नंबर 22 यहीं कहीं होना चाहिए आगे। वो रहा सर शिल्पा। हाँ सर, ये तो बुरिया बस्तर बांध के भागने की तैयारी में, इसका पीछा करते हैं। अब ये लोग कौन है? ये गाड़ी भी शिल्पा का पीछा कर रही है। देखते हैं कहाँ जाते हैं। चेहरा तो दिखाओ, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? आयशा, संजय, ए, बहुत जल्दी है भागने की। प्लान तो बहुत अच्छा था हमारा, लेकिन आप लोग अब तक पहुंच ही गए। बड़े बड़े मुजरिमों के अच्छे अच्छे प्लान बिगाड़ने की आदत है हमें, समझे? अब बोलो ऐसी क्या जरूरत पड़ी दो दो खून करने की? हाँ, मैं और आयशा ड्रग्स का धंधा करते, ड्रग्स छुपाने के लिए हमें सुरक्षित जगह की जरूरत थी और महेश भाई के फ्लैट से ज्यादा अच्छा ठिकाना हमें दूसरा नहीं मिला। ड्रग्स बेचते हो तुम लोग? हाँ, जितनी कमाई ड्रग्स के धंधे में उतना किसी और में नहीं। एक बार स्कूल कॉलेज के बच्चों को उसकी लत लगा दो फिर पैसों में खेलो। पैसे बनाने की लालच में तुम बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करोगे? इस काम के लिए शरीफ घर की लड़कियों की जरूरत पड़ती थी क्योंकि उन पर कोई शक नहीं करता था। और उनमें से एक लड़की थी पायल जो मिसेस कुमार के फ्लैट में रहती थी शिल्पा से पहले। हाँ, पायल और माया एक साथ मिसेस कुमार के घर पे रहते थे, दोनों मेरे लिए काम करते थे। मैं और पायल एक दूसरे से प्यार करते थे और वो इस प्यार को शादी में बदलना चाहती थी जो मेरे लिए मुमकिन नहीं था। और इसलिए जब उस रात वो फ्लैट में आई। बोलो क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? तुमसे आखिरी बार ये पूछना कि तुम्हें मेरी मोहब्बत मंजूर है या नहीं। अगर इतना ही प्यार करते हो मुझसे तो डिवोर्स क्यों नहीं देते अपनी वाइफ को? कर लो मुझसे शादी। प्यार और शादी का आपस में क्या लेना देना? प्यार अपनी जगह है और शादी अपनी जगह। मुझे तो खुद पे शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। मुझे पता था तुम्हारे पास इतना दिमाग है ही नहीं कि तुम्हें मेरी बात समझ में आए। और जिन लोगों के पास दिमाग नहीं होता उनका पता है क्या अंजाम होता है? क्या मतलब है तुम्हारा? अंदर घुस कर।
लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाना कि सीआईडी तो क्या सीआईडी का बाप भी ढूंढ नहीं पाए। जी बॉस। जाओ। इस वक्त यहाँ कौन है? तुम लोग से ठिकाने लगाओ, मैं देखता हूँ। बॉस, मगर सावधान रहना। अरे हाँ, इसे लेके जाओ जल्दी। संजय, दरवाजा जल्दी खोलो। संजना, उसे कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? संजय, संजय क्या हो रहा है अंदर? लेके जाओ इसे। जी बॉस। तेरे बेवकूफ, उधर नहीं बालकनी तरफ लेके जाओ जल्दी। संजय जाओ, बालकनी से लटका दो जल्दी। संजय जल्दी खोलो ना। संजना, तुम यहाँ कैसे? दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? वो मैं बाथरूम में था। घर में अकेले हो या फिर कोई और भी है? क्या बात कर रहे हो तुम? ऑफ कोर्स मैं घर में अकेला हूँ। कहाँ छिपा रखा है उसे? किससे? पायल को। और किसे? पायल? कौन पायल? ज्यादा भोले मत बनो, चुपचाप बाहर बुलाओ उसे। मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं है। तुम भी ना, तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं? हाँ बिल्कुल भी नहीं, तुम और तुम्हारी बातें। संजना, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। देखो, कभी कभी तुम भी ना बिल्कुल बहकी बहकी सी बात करती हो। यहाँ कोई भी नहीं है। चलो। हाँ चलो, हम घर चलो। चलो ना, आ जाओ। बदकिस्मती से जब मेरे आदमी पायल की लाश को बालकनी से लटका रहे थे तो नीचे वाले फ्लैट से शिल्पा ने उसे देख लिया, और शिल्पा के जाने के बाद तुम्हारे आदमियों ने वो लाश ऊपर खींच ली और चुपचाप सोसाइटी के बाहर ले जाके पायल की लाश को ठिकाने लगा दिया। हाँ, जब शिल्पा पहली बार मुंबई आई तो मैं उसे इसी इरादे से अपने पास लेकर आई कि उसे भी ड्रग्स के धंधे में लगा लूं। लेकिन उसके लाश देख लेने के बाद सब कुछ उल्टा पड़ गया और उस हंगामे के बाद मैं फ्लैट में वापस नहीं आई। आयशा, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी। एक शराफत की जिंदगी की तलाश में आई थी मैं यहाँ, और तुम मुझे अपने साथ इस जुर्म के दलदल में खींचना चाहती थी। तुम भी कोई शराफत की मूर्ति नहीं हो शिल्पा। माया की लाश को पहचानने के बावजूद भी तुमने हमसे झूठ कहा। सर, मैं डर गई थी, इस बेवजह के झमेले में नहीं पड़ना चाहती, इसीलिए झूठ बोलकर इस शहर से भाग जाने में मैंने अपनी भलाई समझी। बहुत गलत कदम उठाया तुमने भाग के शिल्पा, बहुत गलत कदम उठाया। अगर तुम निर्दोष थी तो भागने की जरूरत क्या थी? हमें आकर बता देती सच्चाई क्या है। जो लाश हमें मिसेस कुमार के फ्रिज में से मिली है वो माया की है ना? हा? माया को तुमने ही मारा ना? जब आप लोग फ्लैट की तलाशी लेके चले गए तो पायल को ढूंढते ढूंढते माया फ्लैट पर आ गई। अब कौन आया? आओ माया, आओ। तुम इस वक्त यहाँ? पायल कहाँ है? पायल? मुझे क्या पता पायल कहाँ है? झूठ मत बोलो, मुझे पता है वो कल तुमसे मिलने यहाँ आई थी और अब तक घर वापस नहीं गई है। माया, मैं खुद पायल से एक हफ्ते से नहीं मिला हूँ, तुम उसे कॉल क्यों नहीं कर लेती हो? उसका नंबर बंद आ रहा है। सच सच बताओ पायल का है, वरना मैं तुम्हारे प्यार का भांडा तुम्हारी बीवी के सामने फोड़ूंगी। माया प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज माया, मेरा बसा बसा घर उजड़ जाएगा, प्लीज ऐसा मत करना। तो मुझे पायल के पास लेके चलो। तुम्हें सच में पायल के पास जाना है? हाँ। चलो आओ, आओ मेरे साथ। मगर अभी तो आओ ना, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ उसके पास। मैं किसी तरह माया को समझा बुझा कर नीचे मिसेस कुमार के फ्लैट में लेके गया और वहां उसे मारकर उसकी लाश को फ्रिज में छिपा दिया। अब आप ही बताइए मैं क्या करता। चुप! पैसों की लालच में ड्रग्स बेचे तुमने, देश के नौजवानों को बर्बाद कर दिया, दो दो खून कर दिए। तुम दोनों को तो फांसी ही होगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.